अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइन। एबीटी सीरीज हमारी चल रही है काफी टाइम से। 1000 प्रॉब्लम्स की जो है ये टारगेट है हमारा कि हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के। 50 ईच का टारगेट है एज ऑफ नाउ। परसेंटेज के 50 प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं और रेशियो के जो है 12 प्रॉब्लम तक सॉल्व हो चुके हैं। इनकेस अगर हमने नहीं देखे तो इनके लिए 6 टाइम मौजूद है, जिसके लिए आप जाके देख सकते हैं। आज जो है हम 13 प्रॉब्लम करेंगे, तो चलें शुरू करें। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 98। इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड इज 2:3 एंड रेट ऑफ सेकेंड टू थर्ड इज 5:8, द सेकेंड नंबर इज डैश। सबसे पहले से कहा है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स है 98, ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स इज 98। इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड, रेशियो दोनों का जो है फर्स्ट और सेकेंड नंबर का है 2:3 एंड सेकेंड और थर्ड नंबर का अगर रेशियो देखें 5:8 है, तो बताना ये है कि सेकेंड नंबर की असल में वैल्यू क्या है। तो देखेंगे अभी हम। गिवन में सेम चीज लिखी है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स 98 है, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड टू रेशियो थ्री, रेशियो ऑफ सेकेंड टू थर्ड 5:8, और फाइंड क्या करना है सेकेंड नंबर। फार्मूला जो इसमें यूज देंगे वो है तीन, तीन भी दो कह सकते हैं एक ही चीज है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है। एक तो सम हो गया, सम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर सेकेंड और थर्ड नंबर, उसके बाद है फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, फिर उसका रेशियो है रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर रेशियो ऑफ सेकेंड नंबर। इस तरीके से सेकेंड नंबर थर्ड नंबर डिवाइड किया हुआ है और उसके बाद में लिखा हुआ है रेशियो ऑफ सेकेंड नंबर टू थर्ड नंबर। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला हम यूज करके देखेंगे, सम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर। तो कंसिडर कर लेते हैं इसको कि फर्स्ट नंबर बी ए, सेकेंड बी और थर्ड को सी कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या होगा, ऐसे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमें वैल्यूज ही नहीं पता तो हम नहीं कर सकते इसको आगे। सो हम सेकेंड वाला फार्मूला और थर्ड वाला फार्मूला पहले उठाएंगे। तो अगर फर्स्ट नंबर को हमने कहा ए, तो हमने इसकी जगह रिप्लेस कर लिया ए फार्मूले में और सेकेंड नंबर की जगह बी, तो फिर रेशियो ऑफ ए बी से करके बी और सी भी सेम तरीके से लिखा। अच्छा, अब जो है सबसे पहले देख लेते हैं ए ऑफ बी का रेशियो। तो ए ऑफ बी का रेशियो जो है 2:3 है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, इसको यहाँ पे भेज दिया, इसको यहाँ पे, तो 3a = 2b, ये चला गया। बाकी ये 2b यहाँ पे b से हो रहा है मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये मिल गया हमें b की वैल्यू। इस तरीके से रेशियो ऑफ जो है वो b और रेशियो ऑफ c में से सेम तरीके से हमने लिखा, बी ऑफ सी का रेशियो क्या मिला हुआ है 5:8, तो 5/8 कर दिया। इस तरीके से इसको यहाँ भेजते इसको यहाँ भेजते, तो 8b होगा, ये 5c हो गया, क्योंकि हम जो है इस पे भी हमने b निकाला है और हमें फाइंड सेकेंड नंबर करना है, तो हम डायरेक्ट उसी को इस साइड पे भी फिल्टर कर लेंगे। यहाँ पे इसको भेज दिया, यहाँ पे इसको भेज दिया, तो बच्चा 8b, b के साथ सिर्फ 8 बचा हुआ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई की जगह यहाँ भेजते हैं, तो जाएगा डिवाइड, इसी करके उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास b = 5c/8। अब सिंपल है, दोनों की वैल्यू मतलब कि जो b = 3a और 2 जो पहली वाली वैल्यू आई थी, और जो b = 5c/8 आ गई, दोनों को इक्वल कर लिया क्योंकि एक साइड उनकी इक्वल है, तो दोनों साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 3a/2 = 5c/8 हो जाएगा। इसी तरीके से हो गया। अब दोबारा से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 8 3 23 24 a, और यहाँ पे a सेम, और 5 2 10 हो गया, यहाँ पे c। अब हम यहाँ से जो है 24 a वाला मल्टीप्लाई इसको भेजते हैं इस साइड पे, जाके डिवाइड, तो 5 2 10 सॉरी 2 5 10 और यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, मतलब 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आई है वो ये वाली है। अब हम ये वाली और ये वाली वैल्यू जो है करेंगे हम उसमें ऐड, एक मिनट, ए और बी वाली वैल्यू में, जस्ट, अच्छा ये वाली जो है b = 3a, ये वाली जो हमने पहली वाली क्वेश्चन निकाली थी, इसमें हम क्योंकि ए की वैल्यू मिली है 1, तो हम ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन जो पहले पहले हमने 2b के निकाले थे ना, 1 वाले b में इसमें ऐड कर लेंगे, जिसमें a मौजूद है क्योंकि a की वैल्यू मिली है, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे।
तो अब मैं एक मिनट में इसको करके थोड़ा दिखा देती हूँ. बी इज इक्वल टू 3, एक ही जगह पे यहाँ पे 5c और यहाँ पे 12 इस तरीके से, इसके बाद यहाँ पे 2. तो यहाँ पे अगर देखें 3 1 3, 3 6 4 द 12 है, तो ये बचा 5c डिवाइडेड बाय 4, इसके बाद इस तरीके से डिवाइड, इस तरीके से डिवाइड आता है. तो इसका मतलब ये समझा करें कि यहाँ पे अपॉन 1 है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 5c बाय 4 डिवाइडेड बाय, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1. अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसको ऊपर मतलब मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको उल्टा कर लें, 5c वो इसको चेंज कर लेना, तो मल्टीप्लाई कर ले 1 डिवाइड बाय 2, तो जाएगा 5c, यहाँ पे लिख लेते हैं 5c डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, मैंने यहाँ पे काफी लंबा वाला किया था क्योंकि यहाँ पे मैंने कट नहीं किया था ये वाली चीज ना, यहाँ पे ये वाला चीज से कट नहीं किया था इस वजह से, वरना ये वाली जो है ये वाली पे जो आई ये आ गया यहाँ पे. अब ये वाली जो वैल्यू है ये हम इसमें ऐड कर लेंगे, हमने हर जगह पे सी सी ऐड किया है, सी की वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए अब सब में ऐड कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आ जाए. आप देखें यहाँ पे मैंने जो इनका वो किया है, एलसीएम निकाला है, उस हिसाब से 24 आ रहा है. मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 12 और 8 इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 3 7, 3 1 3, तो जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 6 24. ठीक है, ये हो गया 24 एलसीएम ये वाला. अब इसको इसको डिवाइड करें तो 24 और 2, तो 24 डिवाइड बाय 12 करें, 2 आंसर आ रहा है. 2 को 5 से कर ले मल्टीप्लाई, 5 2 10 सी के प्लस, इस तरीके से 8 और 3, तो 8 से 24 होता है, तो 3 5 15, ये भी इस तरीके से होगा. जिनको ऐसे नहीं आता उनके लिए मैं बता देती हूँ, 24 को लिखेंगे नीचे से, 8 1 8, 8 3 24, 3 5 15 सी हो गया प्लस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो समझे 1 है, तो 24 1 24 हो जाएगा, तो ये 24 सी हो जाएगा. अब इन सबको प्लस कर लिया है, 24 15 और 10, तो जाएगा 49 सी. इसको आपस में डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, मैं करके दिखा दी, 3 2 5 2 49. वैसे इनसे कोई डबल नहीं लगता सिवाय 7 के, जो लगा के देख लेते हैं, 7 7 49, 7 3 21, यहाँ पे बचा 2, 7 3 21, यहाँ पे बचा 22 23 24 25, बचा 4. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 7 6 42, अगेन 7 1 7, 7 4 28, 29, 30 31, 32 33, ये 5 आ गया, और यहाँ पे 8 टाइम, क्योंकि 7 8 48 होता, 7 8 46 होता है, तो ये आ गया हमारे पास 48 आंसर. अब मुझे कैसे पता चला कि 49 का डबल लगा या नहीं लगा, सबसे पहले तो कोई और डबल नहीं लग रहा था, और है ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा 49 है तो लेट्स ट्राई 7, अगर 7 का डबल लग जाता है तो मतलब सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं लगता तो फिर मसला होता. ठीक है, तो हमें सी की वैल्यू मिली है, अभी अभी प्रॉब्लम रहता है, हमें फाइंड सेकेंड नंबर करना था. तो ये वाली जो इक्वेशन थी जिसमें हमने सी निकाला था सेकेंड नंबर वाली, उसमें हम सी की वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें सेकेंड नंबर मिल जाएगा. सी की वैल्यू 48, तो 48 और ये 8 8 8 6 48, 5 6 30, तो ये हो गया, देयरफॉर द सेकेंड नंबर इज 30. That's it for this video. Thank you.